एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जैसे मैंने किसी दुकानदार से बुक खरीदी है ना, उसने मैंने उनसे बुक खरीदी और उनने मुझे बुक दे दी, मैंने उनको पैसे दे दिए, तो दोनों पार्टीज की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, दैट इज एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। अब एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, मैं एग्जांपल से बताती हूं आपको। बी प्रॉमिसेस टू सप्लाई 60 केजी राइस टू सी फॉर ₹1500। अब इस केस में क्या है, प्रॉमिस किया गया है कि मैं आपको इतना राइस सप्लाई करूंगा और उन्होंने मुझे ₹1500 देने का प्रॉमिस किया है। अभी दोनों की तरफ से परफॉर्मेंस होना बाकी है तो इसे एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज द यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जैसे बी बायस अ रेलवे टिकट फॉर हिज जर्नी फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। ठीक है, ही इज वेटिंग फॉर द ट्रेन एट द प्लेटफॉर्म। हियर द कॉन्ट्रैक्ट इज यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज बी हैज परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन बाय पेइंग फॉर द टिकट। हाउएवर द अदर पार्टी इज येट टू प्रोवाइड द ट्रेन व्हेनेवर ही विल ट्रैवल। मतलब एक व्यक्ति का परफॉर्मेंस होना बाकी है, एक पार्टी का परफॉर्मेंस होना बाकी है, तो इसे यूनिलैटरल परफॉर्मेंस कहा जाता है। मतलब ए ने ट्रेन की टिकट खरीदी, अब वो ट्रेन का वेट कर रहा है प्लेटफॉर्म पर। ए पैसे दे चुका है ट्रेन की टिकट के, पर अभी बी का परफॉर्मेंस मतलब रेल डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस पूरा होना बाकी है, अभी ट्रेन आनी बाकी है। ठीक है, इट इज नोन एज यूनिलैटरल परफॉर्मेंस। नाउ